हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में हम फार्मूला और प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट को अच्छा से डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम उस फार्मूला बेस पे सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जो भी क्वेश्चन हार्ड होगा, इजी होगा, सारे टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट फार्मूला हम लोग लिखे थे गेन, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी का मतलब था सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब था कॉस्ट प्राइस। जितना में बेचे उसको एसपी सेलिंग प्राइस बोलते हैं, खरीदे उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। कॉस्ट प्राइस सबको दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज 400, सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज 900। फाइंड गेन और लॉस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 400 रुपीज, सेलिंग प्राइस दिया हुआ 900 रुपीज। इसमें आपको पता करना है गेन होगा या लॉस। सबसे पहले एक पता कैसे करेंगे कि इसमें गेन होगा या लॉस, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है। इस क्वेश्चन में 900, यहाँ पे 400, तो 900 मतलब एसपी बड़ा है, यहाँ 900 एसपी। बेचे ज़्यादा में है और खरीदे कम में है। जब बेचेंगे ज़्यादा में और खरीदेंगे कम में तो हमको गेन होगा, प्रॉफिट होगा। तो गेन का फॉर्मूला आप लिखे थे गेन इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। सीधे कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है इसको। तो यहाँ रुपीज 900 माइनस रुपीज 400 कितना होगा, रुपीज 500 का गेन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1200, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले पता करना है इसमें गेन होगा या लॉस होगा। तो गेन और लॉस को कैसे पता करते हैं, एस पी यहाँ 1200 है, सी पी यहाँ 1000 रुपीज़ है। 1200 बड़ा है 1000 से, तो जो बेचे ज़्यादा में है, खरीदे हैं कम में, तो हमको गेन होगा। तो गेन का फॉर्मूला गेन इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना है आपका, रुपीज़ 1200, 1200 माइनस 1000 इक्वल टू रुपीज 200 का गेन होगा। और फॉर्मूला नंबर टू, एसपी निकालना है। एसपी इक्वल टू एसपी सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज 1100, गेन इक्वल टू रुपीज 500, फाइंड सेलिंग प्राइस निकाल के दिखाइए। कॉस्ट प्राइस 1100 रुपीज है, गेन 500 है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। कॉस्ट प्राइस प्लस गेन,
सॉल्यूशन में लिखिएगा एस पी इक्वल टू सीपी प्लस गेन। सिर्फ ऐड कर देना है, सीपी और गेन को ऐड कीजिएगा तो आपका एसपी निकल जाएगा, सीपी प्लस गेन। तो सीपी कितना है, 1100 रुपीज़, 1100 प्लस 500 तो कितना हो गया रुपीज 1600। 1600 आपका 1600 रुपये का गेन हुआ, एसपी हुआ, सॉरी एसपी इक्वल टू 1600 रुपीज। इस क्वेश्चन को खुद से आप बनाइए, वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश कीजिए, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन को बनाइए खुद से, फिर हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। एसपी निकालना है, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है रुपीज 800, तो यहाँ पे लिखिएगा रुपीज 800 मतलब 800 रुपया, रुपीज 500 दोनों को जोड़ देना है तो रुपीज 1300 आंसर हो गया, रुपीज 1300 आपका एसपी निकल गया। चलिए दूसरा फॉर्मूला पे चलते हैं, तीसरा फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नंबर 3। यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस गेन। इस फॉर्मूला के बेस्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज 1500, गेन इक्वल टू रुपीज 500, फाइंड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस गेन। सेलिंग प्राइस कितना है आपका, सेलिंग प्राइस रुपीज़ 1500, तो यहाँ पे लिखिएगा रुपीज़ 1500 माइनस रुपीज़ 500, दोनों में से 1500 में से 500 को माइनस कीजिएगा तो रुपीज़ 1000 रुपीज़ आपका कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब इतना रुपीज़ में आप खरीदे हैं कोई भी सामान को। दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को खुद से कोशिश कीजिए बनाने का, वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर से कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, पहले फार्मूला लिख लेंगे सेलिंग प्राइस माइनस गेन। सेलिंग प्राइस कितना है आपका रुपीज़ ट्वेंटी एट हंड्रेड माइनस रुपीज़ 800, कितना होगा 2800 में से 800 को माइनस कीजिएगा तो रुपीज़ 2000 रुपीज़ आपका कॉस्ट प्राइस आंसर हुआ, 2000 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस इतना में खरीदे हैं, बेचे अगर इतना में हैं, गेन आपका 800 रुपीज़ का हुआ, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस गेन, मतलब 2800 माइनस 800 इक्वल टू 2000 रुपीज़। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।